बच्चे के साथ करता था ये व्यक्ति दुष्कर्म। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, कहां से आ रहा है, इसके ऊपर नजर डालते हैं, कैसे सुर्खियों में आया, आखिरकार उस व्यक्ति के साथ पुलिस वालों ने क्या किया है। पूरी अपडेट जानने के लिए मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला हमारे सामने उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से आ रहा है, जहां पर एक रुमाल सिंह नाम का एक व्यक्ति है और अपना तबेला चलाता है। उस तबेले में काफी सारी भैंसे हैं और इस दौरान ही उन भैंसों में काफी सारी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई और उस दौरान ही काफी सारे व्यक्ति जो है वो रुमाल सिंह को ये चीज बताने लगे कि उनकी भैंसों के साथ कोई व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति जो है वो दुष्कर्म कर रहा है। इस दौरान ही काफी सारी चीजों को सुनने के बाद जो कि रुमाल सिंह है वो काफी ज्यादा तबेले पे निगरानी रखते थे, पर कभी भी कोई व्यक्ति जो है वहां पर पकड़ा नहीं गया। आखिरकार उनको कामयाबी हासिल हो ही गई। पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति है जो कि उन्हीं के दोस्त है, पर उन्हीं का एक 23 वर्षीय बेटा जिसका नाम सुमित बताया जा रहा है, वो एक्चुअली में दोपहर को 3 बजे उनकी भैंस के साथ दुष्कर्म कर रहा था और वहां से रुमाल सिंह निकल रहे थे और रुमाल सिंह ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया और पड़ोसियों की मदद से उसको पकड़ने के बाद उसको मारा पीटा और सीधा पुलिस स्टेशन ले गए। और पुलिस स्टेशन लेके जाने के बाद उन्होंने अपनी पूरी जो बात है वो बताई कि कैसे ये दुष्कर्म करता है। और उस दौरान ही वहां पर पुलिस वालों ने धारा 377 के आधार पर अभी मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पांच लोगों ने बयान दिया है उसके खिलाफ। पुलिस वालों का कहना यह है कि अभी मामला एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है, न्यायालय पेश किया जाएगा और उसके बाद उसको जेल भेज दिया जाएगा। देखिए आप कि आजकल के जमाने में जो इंसान एक्चुअली में इंसान की मदद नहीं कर पा रहा, बोलते है कि इंसानियत खत्म हो जा रही है, जानवरों को मार रहे है, वहां पर इंसान ही जानवरों के साथ ऐसा दुष्कर्म करेंगे तो इंसान कौन और जानवर कौन, आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।